हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेटेस्ट के ड्रामा लवली रनर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामे का पहला एपिसोड 8 अप्रैल 2024 में रिलीज हुआ था। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें जुलाई 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग इक्लिप्स की फोटोज और वीडियोस बना रहे होते हैं। फिर हम एक बैंड के मेंबर्स को देखते हैं, उनके बैंड का नाम भी इक्लिप्स होता है, और हमारी स्टोरी का मेन लीड जिसका नाम सुनजे होता है, वो भी इसी बैंड में आइडल होता है। और उनकी कंपनी का CEO किम उन्हें एक रेडियो स्टेशन पर लेकर आता है, जहाँ पर एक इक्लिप्स का मेंबर एक लड़की को कहता है कि जिसका नाम म्यूरी होता है, कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो लड़की उसके शर्ट पे अपना ऑटोग्राफ दे देती है। फिर हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम है इम्सोल, जो कि एक हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि उसका एक सीवियर एक्सीडेंट होता है कि वो अपनी टांगों से चल नहीं पाती है। उसकी मॉम होती है जिसका नाम बॉक्सन होता है, और वो उसके नेल्स कट कर रही होती है और कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें व्हीलचेयर पे ही घूमना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा और बाहर का मौसम बहुत ही अमेजिंग है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ, और तभी नेल्स ज़्यादा कट हो जाता है जिससे ब्लड आता है। तो उसकी माँ उसको सॉरी बोलती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ, और जाते हुए उससे ग्लास गिर जाता है और वो वहाँ से क्लीनिंग के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि इम्सोल भी ग्लास का टुकड़ा उठा लेती है, वो खुद को मारना चाहती थी। फिर हम इक्लिप्स मेंबर को रेडियो रूम में देखते हैं, जो कि कॉलिंग के थ्रू अपने फैन से बात कर रहे थे, और ये रेडियो पे लाइव चल रहा होता है। अब सुनजे की बारी होती है और वो एक मेंबर को रैंडम कॉल करते हैं। ये नंबर इम्सोल का होता है, लेकिन इम्सोल अपना फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो आसपास के पेशेंट कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा है, तुम अपना फ़ोन उठा लो। तो इम्सोल भी फ़ोन उठा लेती है। तो सुनजे उससे कहता है कि मैं सुनजे हूँ, तो क्या तुम मुझे जानती हो? इम्सोल मना कर देती है। सुनजे कहता है कि हम इक्लिप्स के बैंड हैं, 2 महीने पहले हमने डिब्यू किया है, तुम क्या बैंड को नहीं जानती हो? तो इम्सोल कहती है कि हाँ मैं नहीं जानती हूँ, अगर तुम्हारा हो गया तो मैं कॉल काटती हूँ। लेकिन रेडियो स्टेशन वाली लड़की कहती है कि हम आपसे आज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल के देखो कि मौसम कितना अच्छा और अमेजिंग है। अगर आपको बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक प्रेजेंट भेजते हैं जो कि शूज़ हैं, आप इसे रिसीव कर लेना। तो इम्सोल कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहती है ठीक है, शूज़ नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बाइक दे सकते हैं, तो आप बताओ कि आप क्या चाहिए। तो इस पर इम्सोल चिल्लाती है और कहती है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, चल फिर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अलावा दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि मरना चाहते हैं, मैं चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे चला सकती हो? अगर नहीं चला सकती तो प्रैंक कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद अगर तुमने मुझे कॉल की तो तुम्हारे रेडियो स्टेशन पर आग लगा दूंगी। और ये कह के वो फ़ोन को फेंक देती है। तो सुनजे कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी सुन रही हो? तो इम्सोल रेडियो के थ्रू उसे सुन रही होती है। सुनजे कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, उसके लिए थैंक यू, और तुम्हें जिंदा देखकर तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही है। तुम चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और तुम बहुत ही कम मेमोरीज फील करोगी। ये सुनकर इम्सोल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और वहाँ पर उसकी माँ बुक्सन भी आ जाती है, वो सुनती है और उसे हक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2022 31 दिसंबर का, जहाँ पे हम इम्सोल को रूम में देखते हैं। उसने अपने रूम में चारों तरफ सिर्फ सुनजे की ही फोटोज़ लगाई होती है, क्योंकि वो सुनजे से अब बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी होती है। वहाँ पर उसकी नानी होती है जिसका नाम इम्सोल होता है, और वो लिपस्टिक इम्सोल के फेस पर डिज़ाइन बना रही होती है। तभी इम्सोल भी उठती है और अपने फ़ोन को देखती है और कहती है कि मैंने इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे बहुत पहले सबमिट किया था, अगर मुझे जॉब देनी होगी तो वो पहले ही मुझे कॉन्टैक्ट कर लेते। और तभी वो देखती है कि उसकी नानी के हाथ में उसकी घड़ी होती है, जो कि सुनजे की होती है। इसे देखकर इम्सोल काफ़ी चौंक जाती है और अपनी नानी के पीछे भागने लगती है, लेकिन उसकी नानी उसे घड़ी दे ही नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर इम्सोल का बड़ा भाई आता है, जिसका नाम होता है इमग्यूम। तो वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे नानी से घड़ी दिलवा दो। तो उसका भाई कहता है तो क्या हो गया, अगर नानी खेल रही है, जब वो थक जाएगी तो तुम्हें घड़ी खुद ही दे देगी। लेकिन इम्सोल तो मानती नहीं है। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे नानी से घड़ी दिलवाओ, जिस पर बॉक्सन अपनी माँ से बोलती है कि माँ आपको एक ड्रामा देखना था ना, तो एक काम करो, पहले मुझे इसके बदले घड़ी दे दो तो मैं आपको ड्रामा दिखाऊंगी। तो उसकी माँ उसको घड़ी दे देती है। तो बॉक्सन उसके घड़ी देते हुए बोलती है कि तुम इस मामूली सी घड़ी के लिए अपनी नानी से क्यों लड़ रही हो? तो इम्सोल बोलती है कि ये मामूली घड़ी नहीं है, ये सुनजे की घड़ी है, इसको मैंने ऑक्शन से $3,000 में खरीदा था। तो उसकी माँ चौंक जाती है, $3,000, जिस पर कि इम्सोल तुरंत बात बदल देती है कि नहीं, 3,000 नहीं, $300, मेरी जवान से स्लिप हो गया। फिर उसकी माँ कहती है वैसे तुम सुनजे की बहुत ही ज़्यादा लॉयल फ़ैन हो, तो आज उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। तो इम्सोल कहती है कि हाँ, 5 साल के बाद उसने कॉन्सर्ट किया है, तो हमें आज 5 साल के बाद उसे कॉन्सर्ट में लाइव देखने को मिलेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि सुनजे अपने कॉन्सर्ट के रेडी हो रहा होता है।
तभी यहाँ पे सीईओ किम आता है और उसे डांटने लगता है कि तुमने डायरेक्टर पार्क को फिल्म करने से मना क्यों कर दिया। तो संजय कहता है कि मैंने आपको कहा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। किम कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाद में इस चीज़ का रिग्रेट होने वाला है। तो संजय कहता है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा। फिर हम इम्सोल को देखते हैं जो कि एक शमन से बात कर रही होती है और फिर इम्सोल टाइम देखती है कि संजय के कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है। वो अपना सारा सामान लेती है और एक हेयर बैंड भी पहनती है जिस पर लिखा होता है कि किडनैप संजय एंड रन। और जाने से पहले वो संजय की फ़ोटो देखती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, या बोल के वो कॉन्सर्ट की तरफ जाने निकल पड़ती है। फिर हम उसे एक लड़की के साथ गाड़ी में देखते हैं जो कि इम्सोल की बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका नाम होता है ह्यूगन। इम्सोल इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो सॉन्ग गा रही होती है। तो इंजू उससे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश है, तो वो कहती है हाँ। फिर इंजू उससे कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट में नहीं आ पाऊंगी। तो इम्सोल कहती है कोई बात नहीं। फिर इंजू उसे एक डायरी देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इम्सोल उस डायरी को ओपन करती है तो वो उसमें संजय के स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ होती है। वो कहती है कि स्कूल टाइम में भी संजय कितना हैंडसम था। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली। तो कहती है कि मेरा एक जूनियर है जिसने कि जुगम हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया है और इसी स्कूल में संजय पढ़ा करता था। तो इम्सोल कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि इसे किडनैप करके भाग जाऊँ। तो इंजू कहती है जब तुम्हारे पास टाइम था तब तो तुमने ऐसा नहीं किया। तो इम्सोल कहती है हमारा स्कूल उसके सामने था लेकिन मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। तो इंजू कहती है क्योंकि तुम उस टाइम पे किसी और की फ़ैन थी। तो इम्सोल कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, और उसे फिर याद आता है और कहती है कि हाँ वैसे उसका साथ क्या हुआ। तो इंजू कहती है कि उसके स्कूल की में फ़ाइट हो गई थी जिसका काफ़ी बड़ा स्कैंडल हो गया था और उसके बाद उसने ड्रॉप आउट कर लिया था। तो इम्सोल कहती है कि क्या मैं इस बुक के पिक्चर्स को यूज़ कर सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी बुक मेरी नहीं है। और फिर उसको कॉन्सर्ट में छोड़कर चली जाती है और वहाँ से पहले से एक लड़की इम्सोल का वेट कर रही होती है और इम्सोल वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाती है। फिर कुछ लड़कियाँ बात करती हैं कि बैंड में संजय के अलावा भी और मेंबर्स हैं, दुनिया को पता नहीं क्यों संजय के अलावा और कोई दिखता नहीं है, फिर इतना लोग पागल क्यों हैं। और इम्सोल इनकी बातें सुन रही थी और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये वही लोग हैं जो संजय के बारे में गलत गलत कमेंट करते हैं लेकिन फिर भी संजय उनको अपना फ़ैन मानता है। और तभी मतलब इम्सोल के पास फ़ोन आता है, वो फ़ोन कहीं और से नहीं बल्कि उसी कंपनी से आता है जहाँ पे इम्सोल ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो रिक्रूटर कहता है कि आपने अप्लाई किया था यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। तो इम्सोल कहती है कि हाँ मैंने अप्लाई किया था। तो कहता है कि क्या आप इंटरव्यू के लिए आ जा सकते हैं। तो इम्सोल भी कहती है क्या अभी, तो कहता है कि हाँ अभी। तो कहती है कि ठीक है मैं बहुत ही जल्द आपके पास पहुँचती हूँ। फिर हम इम्सोल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए जाती है, वहाँ पर रिक्रूटर आता है और कहता है कि आप वही हैं जो इंटरव्यू के लिए आई हैं। तो इम्सोल कहती है हाँ, लेकिन उसके बाद हम इम्सोल को कंपनी से बाहर आते हुए देखते हैं क्योंकि उसे जॉब नहीं दी जाती है। रिक्रूटर उससे कहता है कि आप हमारे साथ काम करोगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी, लेकिन ये 3 फ्लोर बिल्डिंग है और यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है तो हमें नहीं लगता कि आप यहाँ पर काम कर पाओगे। लेकिन हम इम्सोल को देखते हैं कि वो खुद को मोटिवेट करती है, कहती है कोई बात नहीं, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया, मुझे कोई और जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो संजय के कॉन्सर्ट पे जाती है जहाँ पे लेकिन सभी लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके होते हैं और गेट बंद हो जाता है। तभी वो एक लड़की वहाँ पर आती है तो उससे इम्सो कहती है कि मुझे अंदर जाने दीजिए, लेकिन लड़की को कह रही है एंट्री टाइम बंद हो गया है। तो कहती है कि लेकिन मेरी बस लेट हो गई थी इसी वजह से मैं टाइम से नहीं आ पाई। तो लड़की फिर भी मना करती है। तो उसके बाद इम्सो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। तो कहती है अच्छा ठीक है, आप मुझे पहले टिकट दिखाओ अपनी। वो बैग से टिकट निकालती है लेकिन टिकट वहाँ पर होती नहीं है। तभी उसे याद आता है कि बैग से कुछ सामान निकालते हुए उसकी टिकट पहले कहीं गिर गई थी। फिर हम संजय को स्टेज पर देखते हैं परफॉर्म करते हुए, उसकी परफॉर्मेंस देख के सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं और वहीं इम्सो बाहर से उसकी आवाज़ सुन रही होती है और वो भी बाहर से उसे चीयर अप कर रही होती है और वो बाहर से ही बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ ही बहुत मस्ती कर रही होती है। फिर हम संजय को देखते हैं, वो अपने फैन से कहता है कि मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करने वाला हूँ अभी, वो मैंने पहली बार किया है। तो उसके बाद वो सॉन्ग परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर इम्सोल भी सोचती है कि ये सॉन्ग तो उसने पहली बार सुना है। फिर वो अपनी फ़ोन में अपनी लिस्ट चेक करती है, वो बोलती है कि ये फॉर्म सॉन्ग तो लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका सॉन्ग सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और वो उसके बाद फिर इवेंट ख़त्म हो जाता है और सब लोग अपने घर जाते हैं। यहाँ पे इम्सोल कहती है कि अगर मैंने बाहर सुन के उसकी मुझे इतना अच्छा लगा है, अगर मैं अंदर होती तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। कि तभी वहाँ पे एक लड़का टकराता है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, वो अपना फ़ोन चेक करती है, उसका फ़ोन टूट जाता है। वहीं संजय भी रूम में आता है जहाँ पे उसके बैंड के मेंबर्स होते हैं और एक युवा संजय को कॉलर से पकड़ लेता है और उसका जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो बैंड का मेंबर भी होता है। और वो संजय से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सच में रिटायरमेंट लेने वाले हो और तुम्हारी रिटायरमेंट की बात हमें किसी और से सुनने को मिल रही है, आखिर तुम हमें समझते क्या हो। तो संजय कहता है कि अभी तुम घर जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। वहीं हम इम्सोल को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है और कह रही होती है कि आखिर ये बस स्टॉप इतना दूर क्यों है।
तभी उसकी व्हीलचेयर काम करना बंद कर देती है। ये देख के वो काफ़ी शॉक हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, और इस बीच रोड पर अकेले होती है और रोने लगती है। और इसी रोड पर भी संजय भी घर जा रहा होता है और वहाँ वो इम्सोल को देख लेता है। तो वो अम्ब्रेला लेकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है, वो इम्सोल के सामने आता है और उसके ऊपर अपना अम्ब्रेला कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसे देख के इम्सोल शॉक में चली जाती है और कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, और खुद से ही कहती है कि संजय तुम्हारे सामने है, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। तो संजय देखता है और उसके हाथ का पर अपने हाथ से उसको हीटिंग पैड देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, इसे अपने हाथ में गर्म करके रख लो। तो इम्सोल रोने लगती है और संजय कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हें तो रुलाया नहीं। तो इससे इम्सोल कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो संजय कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे हेयर बैंड से। इस पर लिखा है कि संजय को किडनैप करो और भाग जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो इम्सोल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फ़ैन वेबसाइट चलाती हूँ जिसे मैं 10 साल से चला रही हूँ, और उसमें मैंने तुम्हारे लिए निकनेम रखा हुआ है। तो संजय को थैंक यू बोलती है। संजय कहता है कि थैंक यू किस लिए? तो इम्सोल कहती है सभी चीज़ों के लिए थैंक यू, और तुमने मेरे अंदर जीने की इच्छा जगाई है और तुम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो उसके लिए थैंक यू। तो संजय उससे कहता है कि तुम घर कैसे जाओगी, जिस पर इम्सोल कहती है कि पता नहीं। तो संजय कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ नहीं सकता अकेले, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। जिसे सुन करके तो इम्सोल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी फौरन से हाँ बोल देती है। तो उसके बाद लेकिन तभी उसकी फ्रेंड टपक पड़ती है और वो सोचती है कि बिल्कुल गलत टाइम पर आई है। लेकिन उसके बाद वो इम्सोल संजय से कहती है कि मेरी फ्रेंड आ गई है, वो मुझे घर ड्रॉप कर देगी। फिर तभी संजय उसके सामने बैठता है और कहता है कि तुम्हें इस अम्ब्रेला की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम इसे ले लो। फिर इम्सोल उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि ये तुम्हारी फेवरेट है। तो संजय उसे गिफ्ट को ले लेता है और वो गाड़ी में उसी चीज़ को देख रहा होता है। और फिर हम इम्सोल को घर पर देखते हैं, वो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे किसने बचाया था, मैं जानना चाहती हूँ। तो वॉक्सन कहती है कि काफ़ी पुरानी बात है, अब तो मुझे भी पता नहीं। तो इम्सोल कहती है कि आज मैं जिससे मिली उसी ने मुझे जीने की मोटिवेशन दी थी, तो उसके मिलने के बाद मुझे याद आया जिसने मुझे बचाया था, मैं उसे थैंक यू तो कभी कह ही नहीं पाई। और कहती है कि काश मैं उसे भी थैंक यू बोल पाती। और उसके बाद इम्सोल अपने रूम में आती है और संजय की दी हुई चीज़ों को बॉक्स में रख देती है, और फिर संजय की फ़ोटोज़ देखती है और कहती है कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है वो। फिर उसकी वॉच को देखती है अपने हाथ में डालकर, कहती है कि क्या संजय की रिस्ट भी इतनी बड़ी होगी। फिर हम संजय को देखते हैं, उसके रूम में कुछ मेडिसिन पड़ी होती हैं। फिर हम दो स्टाफ की लड़कियों को देखते हैं जो पुल के पास संजय के लेके कुछ बातें कर रही होती हैं कि तभी कोई ऊपर से पुल नीचे पुल में गिरता है और वो कोई और नहीं बल्कि संजय होता है। और वहीं पे इम्सोल के पास मैसेज से मैसेज आने लगते हैं कि संजय ने सुसाइड करने की कोशिश की है। यह देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ टाइम पहले तो मैं उससे मिली हूँ। और तभी वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें संजय को पानी से बाहर निकाला जाता है और उसे CPR भी दिया जा रहा होता है, और साथ ही बताया जाता है कि उसे किस हॉस्पिटल में ले गए हैं। फिर इम्सोल भी संजय की घड़ी पहने ही उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है कि तभी रास्ते में एक आदमी से टकरा जाती है जिसकी वजह से इम्सोल का हाथ साइड में फंसता है और संजय की घड़ी पानी में जाके झटके से गिर जाती है। तो इम्सोल भी पानी के पास आती है और वो खुद को पानी में गिरा देती है और संजय की घड़ी को ढूंढने लगती है। और वहीं हम संजय को हॉस्पिटल में देखते हैं जिससे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और उसका डेथ टाइम भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और वहीं इम्सोल को संजय की घड़ी मिल जाती है, तो पहले तो उस घड़ी का टाइम चेंज हो जाता है, और फिर इम्सोल भी न्यूज़ में देखती है कि संजय की डेथ हो चुकी है। ये देख कर के इम्सोल रोने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से तो मैं जी रही थी, तुम कैसे मर सकते हो, तुम्हें जीना चाहिए था। फिर इम्सोल अपने चारों तरफ देखती है और नोटिस करती है कि आसपास का टाइम रुक चुका है। और फिर हम इम्सोल को एक स्कूल में देखते हैं, वो क्लास में सोई हुई होती है, तभी उसके पीछे से टीचर आता है और उसे उठाता है और कहता है कि तुम क्या सपना देख रही हो। फिर इम्सोल कहती है कि मैं स्कूल कैसे आ गई, ये तो मेरा हाई स्कूल है। तो उसका टीचर कहता है कि हाँ तुम स्कूल में ही हो। फिर इम्सोल अपने पाँव को देखती है और कहती है कि मैं तो चल पा रही हूँ। फिर उसे याद आता है कि वो हमारे स्कूल के सामने संजय का स्कूल है, और वो भागते हुए संजय से मिलने के लिए जाने लगती है। उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है, तो उससे पूछती है संजय कहाँ पर है, तो वो उसे बता देता है। और फिर हम संजय को देखते हैं जो कि स्विमिंग कंपटीशन के लिए जा रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये ईयर 2008 चल रहा है, और उसके बाद संजय को कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और इम्सोल भी वहाँ पे भागते हुए पहुँच जाती है। फिर वो संजय को देखती है, संजय बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो कंपटीशन जीत चुका होता है,
और वो जोर से सुनजे का नाम चिल्लाते हुए सुनजे की तरफ भागने लगती है और उसे हग कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा अकेले हो, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। तो सुनजे उसे अपने दूर करता है, लेकिन निमसोल फिर से उसे हग कर लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड निमसोल को पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन निमसोल कह दी होती है कि मुझे सुनजे के साथ ही रहना है, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मान नहीं रहे होते हैं। और इन्हीं सब के चक्कर में इसी बीच में निमसोल को धक्का लग जाता है और उसको चोट लग जाती है, तो वो रोने लगती है। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे माफ़ी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़्यादा तेज़ लग गई है बच्चे, तो वो बोलती है कि हाँ मुझे चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद लेकिन वहाँ से वो चली जाती है और रास्ते में वो सोचती है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरा पैर तो पैरालाइज हो चुका था। फिर उसको एक समन की बात याद आती है, समन ने उससे कहा था कि तुम्हारी बॉडी यहीं पर रहेगी लेकिन तुम्हारी स्पिरिट एक ब्रिज को क्रॉस करती है और उसके बाद तुम आफ्टर लाइफ में चले जाते हो। फिर वो वहीं बैठी होती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे सुनजे आता है, हालांकि उसे पता नहीं होता है कि इसका नाम निमसोल है। तो वो निमसोल को टच करके उठाने की कोशिश करता है और निमसोल नीचे गिर जाती है और सुनजे से कहती है कि हम दोनों मर चुके हैं। तो सुनजे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तो निमसोल कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम एक भूत हो और मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम बहुत ही ज़्यादा अकेले हो और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम अकेले नहीं रहोगे, हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे, लेकिन फिर मेरी नानी और मेरी मॉम के बारे में क्या होगा, लेकिन हमने इस ब्रिज को क्रॉस नहीं किया है तो हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो सुनजे कहता है कि तुम पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो, और सुनजे इमो से घड़ी देने लगता है। तो निमसोल उसे बोलती है घड़ी तुम्हारी है, तुम इसे रख लो। तो सुनजे वहाँ से जाने लगता है, तो निमसोल कहती है कि तुम इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सुनजे कहता है कि मुझे घर जाना है और घर जाने के लिए मुझे इस ब्रिज को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो वो जाने लगता है लेकिन निमसोल उसे पीछे से पकड़ लेती है। तो सुनजे उसे खुद को कैसे छुड़वाता है और जल्दी से टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो निमसोल उसके पास उसकी मम की कॉल आती है और उसे चलाते हुए कहती है कि तुम स्कूल से क्यों भाग गई थी, जल्दी से तुम घर आओ, फिर हम सुनजे को देखते हैं कि अपने घर पर होता है। उसके पापा उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आज तुम्हारा कॉम्पिटिशन कैसा रहा। तो कहता है कि कॉम्पिटिशन ऑफिशियल नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो उसके पापा पूछते हैं कि अब तुम्हारा शोल्डर कैसा है। तो सुनजे कहता है कि पहले से काफ़ी बेटर है, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, इसके बाद में बात करूँगा। तो वो कॉल कट कर देता है। तो निमसोल के बारे में सोचने लगता है कि निमसोल ने उसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हो। फिर निमसोल को वही वॉच देखने लगता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी वॉच की तरह है। फिर हम निमसोल को देखते हैं, वो घर आती है, वो देखते हैं उसका घर बिल्कुल पहले जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि 2008 में हुआ करता था। तो वो खुद से कहती है कि हमारा घर तो काफ़ी ज़्यादा रीडेवलप हो चुका था लेकिन ये हमारे पुराने घर की तरह क्यों है, और वो अपने घर को मुंह खोल करके देखती ही रह जाती है। उसके बाद वो अंदर आती है तो जहाँ पे उसकी मॉम उसे बैग फेंकते हुए चिल्लाती है कि तुम क्लास स्किप करके कहाँ भाग गई थी। तो वो अपनी मॉम से बोलती है आप इतनी जवान क्यों दिख रही हैं। तो उसकी मॉम उस पर और ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरी एज ही कितनी है। फिर उसके बाद वो कैलेंडर देखती है तो वो देखती है कि 2008 चल रहा है, और वो अपनी नानी के पास आती है और उन्हें हग कर लेती है और वो नानी से कहती है कि मेरा नाम पुकारो। तो नानी उसका नाम पुकारती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है और कैलेंडर को देखती है और कहती है ये तो वो टाइम है जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और फिर अपने पाँव को देखती है, तभी एक सीन याद करती है जहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और उसकी नानी और मॉम रो रही होती है। वो पूछती है तुम लोग रो क्यों रहे हो, तो निमसोल को पता चलता है कि उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं, और वहीं रियलिटी में निमसोल अपने पाँव को देख करके रो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। फिर उसके बाद वो अपनी नानी और मॉम के पास आती है, उन दोनों के बीच उनका हाथ पकड़ कर सो जाती है, कहती है कि मुझे लगता है कि ये एक सपना है जो कि कल टूट जाएगा या फिर ऐसा होगा कि कल मैं यहीं पर रहूँगी। फिर उसके बाद वो सो जाती है, जब वो अपनी आँखें खोलती है तो अपनी टांग हिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टांग हिल नहीं रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि एक सपना है, लेकिन उसके बाद वो फिर देखती है कि उसकी टांगों के ऊपर उसका भाई गोमिंग पड़ा होता है और उसे वो लात मार कर दूर करती है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। फिर इन बोल को भागते हुए स्कूल जा रही होती है और वहीं सुनजे घड़ी को देख रहा होता है और कहता है कि मुझे उस लड़की को ही वापस कर देनी चाहिए।
और वहीं हिमसोल भी सुंजय को देख लेती है। तभी उसे वो सीन याद आता है जब न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सुंजय की डेथ हो चुकी है, और याद करके हिमसोल रोने लगती है। वहां पर बारिश भी होने शुरू हो जाती है, लेकिन हिमसोल के पास में अम्ब्रेला नहीं होता है और सुंजय भी यह देख लेता है। तो वो उसके पास अपना अम्ब्रेला लेकर आता है और उसकी तरफ अपना अम्ब्रेला करता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो इस पे हिमसोल को याद आता है कि 2022 में भी सुंजय ने उसे इसी तरह से अपना अम्ब्रेला दिया था, जो कि उस टाइमलाइन के हिसाब से फ्यूचर होता है। और यहाँ पे हिमसोल दोनों ही टाइमलाइन के बारे में सोच रही होती है कि जो इस समय अभी उसके सामने है सुंजय, और जो 2022 में उसके सामने था। फिर सुंजय फिर से उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे देखकर तुम हमेशा ही रोने लगती हो, कल भी तुम रोने लगी थी। तो हिमसोल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो सुंजय कहता है कि तुम्हें रुलाने जैसा मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो इस पर हिमसोल रोते हुए देखकर के आसपास के बच्चे कहने लगते हैं कि लगता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनकी लड़ाई हो रही है। तो ये सुनकर हिमसोल को वहाँ से ले जाता है, और उसमें हिमसोल सोचने लगती है कि मुझे इस तरह से रोना नहीं चाहिए था। और ये सोचते हुए वो सुंजय को घूर रही होती है। तो उसे देखकर सुंजय सोचता है कि मुझे घूर क्यों रही है। तो सुंजय हिमसोल से कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो हिमसोल उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, मैंने एक फैन कम्युनिटी भी बनाई जिसमें मेरा निकनेम किडनैप सुंजय एंड रन है। ये सुनकर सुंजय कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो हिमसोल सोचने लगती है कि हाँ, इसे तो पता भी नहीं कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम हिमसोल है। सुंजय कहता है कि हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे नेम टैग पर लिखा है। फिर वो पूछता है कि तुम मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हो। तो हिमसोल कहती है कि क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर किसी की याद आती है। तो सुंजय पूछता है किसकी। तो हिमसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो बहाना मार देती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने डॉग की याद आती है। तो सुंजय कहता है कि क्या, तुम मुझे कुत्ता कह रही हो। तो हिमसोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्विमिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सुंजय कहता है मतलब कि तुम मुझे एक ऐसा कुत्ता कह रही हो जो कि स्विमिंग में परफेक्ट है, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और कल तुम वहाँ पे आ कैसे गई। तो हिमसोल कहती है कि मैं स्विमिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, और बस ऐसे ही नेचुरली मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया। तो सुंजय कहता है कि वो तो कोई नेचुरल नहीं था, वैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तो हिमसोल कहती है कि ओटर है। तो सुंजय कहता है ये कैसा नाम है, अगर तुम्हारा डॉग एक अच्छा स्विमर है तो तुम्हें उसका नाम सील रखना चाहिए था। फिर वो हिमसोल से उसकी घड़ी देता है और कहता है कि कल तुमने ये मुझे दे दी थी। तो हिमसोल को याद आता है कि कल उसने सुंजय के साथ क्या क्या हरकत की थी। उसने ये भी कह दिया था कि चलो हम साथ में रहते हैं, और उसने उसको हक भी कर लिया था। और यही सब सोच करके हिमसोल को तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है, और वो वहाँ से एम्बेरसमेंट में भाग जाती है। और सुंजय भी उसको बुलाता रह जाता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। फिर बेचारा सुंजय भी वहाँ से चला जाता है भीगते हुए। उसके बाद वो क्लासरूम में आती है और वो अपने आप से कहती है कि मैं कितनी बड़ी डम हूँ, मैंने सुंजय का अम्ब्रेला लेकर आ गई, वो बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। और उसके बाद वो अपनी क्लास में एंटर करती है और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो उनसे कितने सालों के बाद मिल रही है। और वो सबसे फिर हाय हेलो करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है उनसे मिल करके। फिर उसके बाद वहाँ पे इंजो को देखती है, उसको देखते ही वो चिल्लाना शुरू कर देती है खुशी से। तो इंजो उससे गुस्से में कहती है कि तुम कल कहाँ पर थी, तुम्हारा बैग देने के लिए मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ा था, मुझे लगता है कि कल सुबह कुछ हुआ था, उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। तो हिमसोल सोचती है कि मैं तो यहाँ पर दिन के टाइम आई थी, तो सुबह जो हुआ है मुझे याद भी नहीं है। और तभी वहाँ पर टीचर को आते हुए देख करके वो टीचर को भी हेलो कहने लगती है। और उसके बाद हम फिर देखते हैं हिमसोल की माँ को, जो कि एक DVD स्टोर चलाती है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि बॉक्सन को एक न्यू टेनेंट के बारे में बता रही होती है। और फिर हिमसोल की मॉम देखती है कि एक आदमी जिसका नाम गोंडुक है, वो अभी तक उसने एक टेप वापस नहीं की होती है। तो वो उसे कॉल करती है और कहती है कि आपने हमारी शॉप से टेप जो लिया था अभी तक वापस नहीं किया है। तो वो कहता है कि आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने आपकी शॉप से कोई भी टेप नहीं लिया। और तभी वहाँ पे एक मंक आता है, वो कहता है कि आप लोग को मुझे डोनेशन देनी चाहिए। लेकिन बॉक्सन समझ जाती है कि मेरा बेटा ग्यूम है, और वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तो वो भी अपनी हैट उतारता है और आंटी कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की थी। तो ग्यूम कहता है ना कमाल की, तो मुझे लगता है कि मुझे एक एक्टर बनना चाहिए। जिस पर बॉक्सन कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमेशा ये सीन क्रिएट कर देते हो, फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक एक्टर बनोगे, और उसे मारने भी लगती है। फिर हम हिमसोल को देखते हैं, वो वॉच को देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या कोई टाइम मशीन है, अगर मैं ऐसा बटन प्रेस किया तो मैं फिर से फ्यूचर में चली जाऊंगी क्या, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर खुद ही रुक जाती है कि मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, अगर मैं यहाँ वापस नहीं आई तो। फिर तभी टीचर उसको रोल नंबर से पुकारती, जिसकी हड़बड़ाहट में उससे हिमसोल से बटन प्रेस हो जाता है। लेकिन वो देखती है कि सब कुछ पहले की तरह ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आए होते हैं। तो टीचर भी उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाती है, लेकिन हिमसोल को तो वो आती नहीं है। तो टीचर के सामने बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो टीचर कहती है ठीक है, तुम मेडिकल रूम में जाओ। लेकिन हिमसोल सुंजय को देखने के लिए सुंजय के स्कूल आती है।
और वो बड़े ही प्यार से देख रही होती है। उसे वहाँ पर स्मोक की स्मेल आती है तो वो वहाँ से जाती है। तो सुंजय भी उसे नोटिस कर लेता है और वो बाउंड्री से देखते ही कुछ बच्चे एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम टेसंग होता है। लेकिन टेसंग उन लड़कों को मारता है और उन्हें मार कर नीचे गिरा देता है। वहीं इम्सोल भी ऊपर से एक आदमी के ऊपर जंप करती है और वो चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि तुम एक लड़के को बुली कर रहे हो, ऊपर से तुम लोग यहाँ पे स्मोक कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि स्मोक का धुआं स्विमर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो इम्सोल को इस तरह से बातें करते हुए देख टेसंग स्माइल करता है और तभी टेसंग देखता है कि वहाँ पर उसे मारने के लिए कुछ और लड़के आते हैं। तो इम्सोल का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। फिर वो एक जगह पर आते हैं तो इम्सोल कहती है कि आज के टाइम के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो टेसंग उसे स्मोक का बॉक्स देता है और स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है, लेकिन इम्सोल उसे सिगरेट ले लेती है और कहती है कि तुम स्मोक नहीं कर सकते। लेकिन टेसंग फिर से उसे सिगरेट लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा लग रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इम्सोल उसे सिगरेट छीनने लगती है और तभी वहाँ पे क्लोज टेंशन हो जाती है। तो तभी उसे याद आता है कि टेसंग कौन है और हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेसंग स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि वो एक बैंड का आर्टिस्ट होता है। और वहीं इम्सोल उसे देखने की सोचती है तो पहला आर्टिस्ट है जिसकी फ़ैन थी और उसे देख कर के वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा करती थी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो इसका बिहेवियर देख कर टेसंग कहता है कि कल तो तुम बिल्कुल चेंज थी और आज बिल्कुल ही चेंज लग रही हो। तो उससे बताने भी लगता है कि कल का क्या हुआ था, लेकिन इस पे इम्सोल उसे बताने का मौका नहीं देती है। तभी टेसंग देखता है कि वहाँ पर टीचर आ रहा होता है तो वो सिगरेट का बॉक्स इम्सोल को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब तुम्हें अच्छे से यहाँ से भागना चाहिए। तो टेसंग वहाँ से भाग जाता है लेकिन टीचर इसमें इम्सोल को पकड़ लेता है और वो उसके हाथ ऊपर करके उसे पनिश करता है और कहता है कि तुम यहाँ से हिलनी भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र रखूंगा। ये बोलकर टीचर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे सुंजय आता है और सुंजय को देख करके इम्सोल अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन सुंजय उसे देख लेता है और उसे सिगरेट का बॉक्स लेता है और कहता है कि तुम्हारा डॉग काफ़ी सैड होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी ओनर स्मोक करती है और स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इम्सोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती हूँ, बस जब मैं सैड होती हूँ तो कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ। लेकिन ये बोल करके वो एकदम चुप हो जाती है कि मैं क्या कह रही हूँ और उसे कहती है कि मैं एक अच्छी मॉडल स्टूडेंट हूँ। लेकिन सुंजय उसकी सुनता नहीं है, वो जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि क्या कैमरा काम नहीं करता तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बोल के सुंजय वहाँ से चला जाता है। फिर इम्सोल जा रही होती है कि उसे यहाँ पर टेसंग दिखाई पड़ता है। इम्सोल कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टेसंग कहता है कि मैं अपना लाइटर लेने आया हूँ। तो इम्सोल कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैंने तुम्हें बचाया था। तो टेसन कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें उन लोगों लड़कों से मैंने तुम्हें बचाया था, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। तो इम्सोल कहती है कि क्या, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। तो टेसन कहता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपनी सेफ्टी के पर ध्यान दो, अगर तुम दूसरों के बारे में सोचती रहोगी तो खुद भी हर्ट हो सकती हो। और फिर तभी वहाँ पे एक लड़की टेसन को आवाज़ देती है तो टेसन उसे आई ब्लिंक करके चला जाता है कि निपटो अब इससे। और वो लड़की अपना गुस्सा इम्सोल पे निकालती है और उससे कहती है कि नीचे देखो। तो इम्सोल कहती है कि मैं क्यों देखूँ। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं तो उन्हें देख करके इम्सोल काफ़ी घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि टेसन ने कहा था कि पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो नीचे बैठ करके अपने लेजेस बांधने लगती है तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर इम्सोल संजू के साथ होती है और कहती है कि अगर मैं किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इम्सोल कहती है कि पहले तो इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो इम्सोल को याद आता है कि पहला इम्प्रेशन तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके सामने, मैं पागलों वाली हरकत कर रही थी। तो संजू कहती है कि पहला ना सही तो सेकेंड अच्छा होना चाहिए। तो उसे याद आता है कि सेकेंड इम्प्रेशन तो उससे भी ज़्यादा बुरा था। संजू उसे बोलकर चला गया कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो संजू उसे कहती है कि तुम्हें उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। तो इम्सोल बोलती है क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो इंजू कहती है कि तुम उससे क्यों पूछ रही हो, तुम क्या किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहती हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कल तक तो तुम किसी और को पसंद करती थी, अब तुम किसी और लड़के के पास जा रही हो, मुझे तो लगा था कि कल तुम्हें टेंसंग ने रिजेक्ट कर दिया था तो तुम काफ़ी परेशान थी, लेकिन तुम्हें देख करके तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये सुनकर कि इम्सोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि कल सुबह क्या हुआ था। इम्सोल टेंशन को कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई होती है। लेकिन तभी वहाँ पे वही लड़की आती है जो कुछ देर पहले इम्सोल से मिली थी और उसे देखकर कि इम्सोल काफ़ी डर जाती है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका लेटर वहीं पर गिर जाता है। फिर प्रेजेंट में इम्सोल युनसे से कहती है, मतलब मैंने टेंशन को कल डेट पर जाने के लिए पूछा था। युनसे कहती है कि हाँ। फिर इम्सोल घर जाके उसी लेटर को पढ़ रही होती है
जो उसने टेसंग के लिए लिखा था, उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि आखिर आसमान में सितारे कम क्यों हैं, क्योंकि वो तुम्हारी आंखों में है और मैं सोचती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से देख क्यों नहीं पाती, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, तुम मेरे एक बिगेस्ट स्टार हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो तुम क्या मेरे साथ डेट पर चलोगे? और ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है और उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि मुझे यहाँ पर कल सुबह ही आ जाना चाहिए था, अगर मैं कल सुबह आ जाती तो ये सब नौटंकी यहाँ पर नहीं हो पाती। उसके बाद इमसोल संजय को एक ऐप में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और संजय उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है और ये देख कर कि इमसोल काफ़ी सैड होती है। अगले दिन इमसोल स्कूल जा रही होती है, वो एक लेडी को व्हीलचेयर पे देखती है, उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। इमसोल हेल्प करने के लिए जाने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर संजय आकर उसकी हेल्प कर देता है, तो इमसोल संजय को हेलो कहती है, तो संजय उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है, तो इमसोल भी उसी बस में चढ़ जाती है और वो संजय को कहती है कि हम दोनों हमेशा इसी बस में आते हैं, तो क्या तुमने पहले मुझे नहीं देखा? संजय कहता है कि पहले हमारी सुबह को प्रैक्टिस हुआ करती थी तो मैं जल्दी आता था, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही क्योंकि हमारा जल्दी कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो इमसोल कहती है कि कैसा कॉम्पिटिशन? संजय कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम फिर से मुझे देखने के लिए आ जाओगी, और तभी बस में जंप लगता है। इमसोल गिरने वाली होती है कि लेकिन संजय उसका बैग पकड़ के उसे संभाल लेता है और तभी उसका स्टॉप आ जाता है, तो संजय बस से उतर जाता है, लेकिन तभी बस में इतनी उथल पुथल हो जाती है कि इमसोल बस से उतर ही नहीं पाती और दरवाज़ा बंद हो जाता है, बस चलने भी लगती है और इमसोल बस को रोकने के लिए ड्राइवर को कहती भी है लेकिन इतना शोर होता है कि ड्राइवर सुन ही नहीं पाता, और ये देख कर के संजय को बस रुकवाने के लिए बस के पीछे भागता है और वो जैसे कैसे बस के क्लोज भी आ जाता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। उसके बाद इमसोल बस से उतरती है और उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम तो एथलीट प्लेयर हो, तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, वैसे तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तो संजय कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए किया है, और वो उससे अपना अम्ब्रेला ले लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम पहले ही अम्ब्रेला लेकर बस से उतर जाती तो ऐसा नहीं होता। तो इमसोल कहती है कि तुम हमेशा से ही पलट कर जवाब देते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इस हैबिट की वजह से तुम्हारे पापा को काफ़ी परेशानी होती होगी। तो संजय कहता है कि देखो बोल भी कौन रहा है जो खुद स्मोक करता है, तो तुम्हें भी स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती हूँ, और कहीं इसी वजह से तो कल तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन तो नहीं किया। तो संजय कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है? तो इमसोल कहती है ऐसा नहीं है लेकिन मैं स्मोक नहीं करती, मेरी फिंगर स्मेल करके देखो, जो स्मोक करता है उसकी फिंगर से स्मेल आती है। लेकिन संजय तो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है, लेकिन इमसोल उसके सामने आती है और गलती से दोनों फिंगर संजय के नाक में चली जाती है। तो संजय का फ्रेंड ये देख लेता है और संजय इमसोल को कहता है कि हाँ हाँ नहीं आती है, फिर वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। संजय का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि वो लड़की कौन है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तो संजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे अम्ब्रेला लेने के लिए गया था। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसका टेसंग पे क्रश था और वो एक बार प्रैक्टिस रूम में चुपके से टेसंग के लिए चॉकलेट रख कर गई थी। तो संजय कहता है ये टेसंग कौन है? तो कहता है कि तुम क्या टेसंग को नहीं जानते? टेसंग हमारे ही बैंड का एक आर्टिस्ट है। जिसे सुनकर संजय काफ़ी रूड वे में कहता है कि मैं नहीं जानता उसे, उसका फ्रेंड कहता है तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो संजय कहता है मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं इमसोल भी अपने स्कूल जा रही होती है, तभी वो वहाँ पर संजय के स्कूल का बोर्ड देखती है कि जल्द ही उनका स्विमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, और ये देख कर उससे याद आता है कि फ्यूचर में संजय ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने बताया था कि अपनी शोल्डर की सर्जरी के बाद मैंने पहली बार स्विमिंग कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मेरा लास्ट कॉम्पिटिशन था क्योंकि इस दौरान मुझे चोट लग गई थी। और ये याद करके वो काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मतलब ये वही टूर्नामेंट होने वाली है, और वो भागते हुए संजय के पास पहुँचती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो संजय कहता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है अगर तुम इस पर पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा ये लास्ट कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि इसमें तुम्हें फिर से शोल्डर पे चोट लग सकती है। लेकिन जैसे वो ये कहती है आसपास का टाइम रुक जाता है और संजय सुन नहीं पाता है कि इमसोल क्या कह रही है। वो कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तो इमसोल फिर से उसे यही बताती है लेकिन फिर से टाइम रुक जाता है। तो इमसोल सोचती है कि ये क्या हो रहा है, तो उसे फ़ोन पर टाइप करके बताती है और जो उसने लिखा होता है वो खुद ब खुद मिट जाता है। तो संजय कहता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो, अगर तुम कुछ नहीं बोलना चाहती हो तो यहाँ पर आई क्यों हो? फिर हम इमसोल को क्लास में देखते हैं और सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या है, मतलब मैं अगर यहाँ पर किसी को फ्यूचर की बात बताऊँगी तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा, तो
तो वहाँ चिल्लाते हुए कहती है कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनने वाला है, लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और ये बात कोई सुन नहीं पाता। तो इम्सोल कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्केरी है और ये सोच करके डर सी जाती है। फिर हम इम्सोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि जब फ्यूचर में सुनजे से पूछा गया था कि स्विमिंग छोड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसी हालत में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ सिंगर ही मेरी डेस्टिनी लिखी हुई थी। जिसे याद करके इम्सोल कहती है अगर सुनजे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसे शोल्डर पर चोट नहीं आएगी और शायद फ्यूचर में उसकी डेथ भी नहीं होगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो मेरी बात पर भरोसा तो कर ही नहीं रहा है। फिर अगले दिन हम सुनजे को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर एक स्विमर होता है जिसका नाम हुइंग होता है, वो उसे कोच कहता है कि तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, और बाहर आते समय सुनजे के शोल्डर पे थोड़ा सा पेन होता है। तो कोच उसे कहता है कि क्या हुआ, सुनजे कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद ह्यूइंग सुनजे कहता है कि तुम्हारे शोल्डर की सर्जरी हुई है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए वरना तो तुम्हें और ज़्यादा चोट लग सकती है। तो सुनजे कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो मेडल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। तो ह्यूइंग कहता है कि लगता है तुम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो सुनजे कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखो, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं हम इम्सोल को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस रूम के बाहर ही होती है, तभी वहाँ पे सुनजे आता है और इम्सोल चलते हुए उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ। तो सुनजे कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम अपनी लाइन क्रॉस कर ही क्यों रही हो। तो इम्सोल फिर वही उससे बात कहने लगती है कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने शोल्डर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सुनजे उसे चुप होने के लिए कहता है लेकिन वो तो हो ही नहीं रही होती है। तो कहता है कि अच्छा तो मतलब तुम अंदर आना चाहती हो, और वो रूम का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर सभी बॉयज शर्टलेस होते हैं, जिसे देख करके इम्सोल अपने आगे बैक कर देती है। तो सुनजे कहता है अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो आ सकती हो, और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। और वही कह रही होती है कि सुनजे बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, अब मैं क्या करूँ। फिर हम टेंशन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ कुछ लड़के होते हैं और उनकी फाइट हो चुकी होती है। तो पुलिस ऑफिसर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो टेंशन कहता है कि इन्होंने ये फाइट स्टार्ट की थी, और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर का बॉस आता है। उसे देखकर टेसन कहता है कि मेरा गार्जियन आ चुका है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो टेसन के पापा उसके पीछे से आवाज़ देता है लेकिन टेसन सुनता नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि क्या टेसन आपका बेटा है, तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम गेंजू को देखते हैं जो कि सुनजे का पापा होता है, और बॉक्सन उससे कह रही होती है कि आपने मेरी शॉप से जो DVD ली थी अभी तक लौटाई नहीं है। तो गेंजू कहता है कि मैं आपको गलतफहमी हुई है, वो टेप मैं लेकर नहीं गया था, और वैसे भी ये फिल्म तो ऑलरेडी देख चुका हूँ। फिर हम सुनजे को देखते हैं जो कि घर आ रहा होता है और अपने पापा की कॉल पर बात कर रहा होता है, और उसे कहता है कि मेरी प्रैक्टिस अभी ख़त्म हुई है, मैं बस घर पहुंचने वाला हूं। और तभी वहां पर इम्सोल आ जाती है जो कि एक मॉन्क के गेटअप में होती है, और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे डोनेशन देनी चाहिए। तो सुनजे उसे कुछ पैसे देता है। तो इम्सोल कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास एक वाटर गोस की एनर्जी है जो कि तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाली है, और तुम्हारे शोल्डर पर चोट भी लगी हुई है ना, तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, और तुम्हें पानी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, अगर तुम जाते हो तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो सुनजे कह देता है कि मैं ध्यान रखूंगा, और ये बोलकर वो जाने लगता है। तो इम्सोल सोचती है कि लगता है इसे मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है, तब मैं क्या करूँ। तो वो कह देती है कि आपकी कॉलर बोन के नीचे एक मोल है। तो ये सुनकर के सुनजे कहता है कि 10 में से 3 इंसान को वो मोल होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो कह देती है कि आपके लेफ्ट साइड पर एक स्कार है। तो सुनजे कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो। तो वो कहती है कि वाटर गोस्ट ने मुझे इसके बारे में बताया है, लेकिन सुनजे वहाँ से चला जाता है। फिर इम्सोल सुनजे के पैसे देते हुए घर जाती है, और तभी वहाँ पर वो नोट हवा से उड़ जाता है, और सीढ़ियों के पास में टेसंग बैठा होता है जो कि उस नोट को उठा लेता है। इम्सोल कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मार खाने के लिए बने हो। तो टेसंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो इम्सोल कहती है कि क्या तुमने कहीं वो लेटर तो नहीं पढ़ लिया। तो टेसंग कहने लगता है कि तुम्हें मेरी आईज में स्टार दिखाई देते हैं और मैं तुम्हारा बिगेस्ट स्टार हूँ। तो इम्सोल कहती है कि तुम चुप करो, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। फिर वो टेसंग की चोट देखती है और उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड बताती है कि कुछ लड़कों से उसकी फाइट हो गई थी और उसका काफ़ी बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसकी वजह से उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। और वहीं पर इम्सोल टेसंग के लिए बैंडेज लेके आती है और उसे लगाते हुए कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना चाहते हो, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स भी ज़्यादा परेशान होते होंगे। तो टेसंग कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो इम्सोल कहती है कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कितना सोचते हैं।
फिर टे सिंग बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि सबके पेरेंट्स एक जैसे हो। तो इम्सोल कहती है कि ऐसा हो सकता है लेकिन बाद में तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होगा। और वो कहते हैं अब मेरा नोट मुझे वापस करो। तो टे सिंग उसे देने लगता है लेकिन वो उसे चिढ़ाने लगता है कि उसकी वजह से नोट उड़कर पानी में गिर जाता है। तो इम्सोल कहती है कि तुम मेरे स्टार को ख़राब कर दिया। तो टे सिंग कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरे पैसे दे दूंगा। तो इम्सोल कहती है कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो यहाँ से इम्सोल जाने लगती है। तो टे सिंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और तभी वहाँ पे सुंजय भी आ जाता है जिसे देख कर के इम्सोल अपनी टोपी लगा लेती है। फिर सुंजय उसे दादी कहता है। तो हंसते हुए टे सिंग भी उसे कहता है कि तुम क्या दादी हो। फिर टे सिंग कहता है कि तुम तो सुंजय हो ना जो कि इनयुक के फ्रेंड हो और तुम एक स्विमर भी हो। तो सुंजय कहता है कि तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं टे सिंग हूँ। तभी सुंजय को याद आता है कि टे सिंग वही लड़का है जिसके बारे में इनयुक मुझे बता रहा था। और फिर तभी इम्सोल वहाँ से जाने लगती है। तो सुंजय कहता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी टे सिंग उसके कान में कहता है कि दादी मुझे लगता है कि तुम पकड़ी गई हो। तो सुंजय काफ़ी रूड वे में कहता है कि मैं तुम्हें क्या पागल लगता हूँ जो तुम मेरा बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। तो इम्सोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुंजय गुस्से में आकर अपने घर के अंदर चला जाता है। और तभी इम्सोल नोटिस करती है सुंजय का घर और वो अपने भागते हुए अपनी मम्मी के पास आती है और कहती है कि माँ उस घर में पहले जो अंकल रहते थे क्या वो वहाँ से चले गए हैं। तो बॉक्सन कहती है कि हाँ अब उनकी जगह कोई और आया है। तो इम्सोल कहती है कि इस चीज़ को मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। फिर हम सुंजय को रूम में देखते हैं। वो इम्सोल के बारे में सोच रहा होता है। उसने कहा था कि उसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए नहीं तो उसको चोट लग सकती है। और वहीं इम्सोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं मेरी बातों पे तो उसे भरोसा ही नहीं है। तभी वो ऊपर से देखती है कि सुंजय कहीं जा रहा होता है। वो सोचती है कि इस टाइम पे वो कहाँ जा रहा है। और वहीं हम सुंजय को देखते हैं जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस करने आया होता है और वो उसके बाद शावर लेने लगता है। तभी वहाँ पर युंग अपने दोस्तों के साथ आता है और वो कहता है कि सुंजय हमेशा कॉम्पिटिशन के टाइम पे अपना स्विम सूट पहनता है और उसे लगता है कि स्विम सूट की वजह से वो जीत जाएगा और मैं वही स्विम सूट उसे चुराने आया हूँ। और वो उसके स्विम सूट को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर इम्सोल आ जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्या तुम उससे अभी यही मार खाना चाहते हो। और उसके बाद वो उनको डांटती भी है। तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स और युंग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर सुंजय आने लगता है। उसे देखकर इम्सोल वहीं पर छुप जाती है और जहाँ पर वो इम्सोल छुपी होती है वहाँ पर सुंजय अपने कपड़ों को फेंक देता है। तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है तो वो क्या करने लगता है। तो इम्सोल अपने सर से टावल लेकर भागने लगती है। सुंजय भी उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश में इसी दौरान वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तो सुंजय देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम ये हो और उसके हाथ में अपना स्विम सूट देखता है और कहता है कि तुम क्या मेरा स्विम सूट चुराने आई हो। तो वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं चुराया। तो सुंजय कहता है कि तुम क्या एक्सक्यूज़ देने वाली हो किसी भूत ने चुराया है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो इम्सोल कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो सुंजय कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है क्या मैं मरने वाला हूँ। तो इम्सोल चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ तुम मरने वाले हो और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन जब ये कहती है तो टाइम रुक जाता है और सुंजय कुछ भी सुन नहीं पाता है। उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो उस तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बिहेवियर नॉर्मल है। पहले हम स्ट्रेंजर्स थे फिर तुमने कहा कि तुम मेरी फ़ैन हो फिर तुमने कहा कि मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए फिर तुम बंग बंग कर मुझे ज्ञान देने के लिए आ गई तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे वो क्यों करना चाहिए। और ये बोलकर कि गुस्से में सुंजय वहाँ से चला जाता है और इस बात से इम्सोल तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सुंजय के पापा को देखते हैं जो कि सुंजय के रूम में आते हैं लेकिन सुंजय वहाँ होता ही नहीं है। तभी वो सुंजय के बेड के नीचे देखते हैं वहाँ पे टेप मिलता है जिसके बारे में बॉक्सन उनसे बात कर रही होती है। फिर सुंजय घर आ रहा होता है उसके पास फ्रेंड की कॉल आती है। वो कहता है कि तो क्या तुम पुल के पास थे मुझे पता चला कि युवांग तुम्हारा स्विम सूट चुराने के लिए आया था और वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और तभी सुंजय देखता है कि वहाँ बारिश होने लगती है और मेरा अम्ब्रेला भी यहीं पर है। और वहीं इम्सोल बारिश में घर आ रही होती है तो सुंजय की बातों के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मेरा ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। फिर वो रोड क्रॉस करने लगती है लेकिन गाड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो 10 तक काउंट करती है और देखती है कि रोड खाली हो चुका है। फिर वो क्रॉस करने की सोचती है लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ियाँ आ जाती हैं और उसके आसपास से गुजरने लगती हैं। ये देख करके इम्सोल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है
और उसके बिल्कुल सामने एक गाड़ी आती है, जिसे देख करके इम्सोल को अपना फ्यूचर का एक्सीडेंट याद आता है और याद करके वो इतना शॉक में चली जाती है कि वो वहाँ से हिल ही नहीं पाती है। वो गाड़ी इम्सोल से टकराने वाली होती है कि तभी वहाँ पे सुंजय आकर उसे अपनी तरफ खींच कर बचा लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम यहाँ से हट क्यों नहीं रही थी, और तभी इम्सोल उसकी बाहों में गिर जाती है और सुंजय उसे संभालता है। फिर हम पास सीन दिखाया जाता है कि सुंजय एक जगह पे डिलीवरी करने आया होता है और वो इम्सोल का ही पैकेज होता है, और तभी वहाँ पे भागते हुए इम्सोल आती है। उसे देखकर सुंजय देखता ही रह जाता है और पहली नज़र में उसे इम्सोल से प्यार हो जाता है। इम्सोल उसे कहती है कि मेरा पैकेज है और अपना अम्ब्रेला देती है और कहती है कि तुम इसे रख सकते हो, यहीं पर हमारा स्टोर है और तुम इस अम्ब्रेला को बाद में हमारे स्टोर के सामने रख देना। और फिर उससे कुछ कैंडीज लेकर अंदर चली जाती है और ये वही कैंडीज होती हैं जो कि फ्यूचर में इम्सोल ने संजू को दी थी। उसके बाद संजू इम्सोल का अम्ब्रेला लौटाने के लिए आता है और वो बाहर से ही इम्सोल को देख रहा होता है। इम्सोल सोई हुई होती है, फिर संजू अंदर आता है और वो देखता है कि इम्सोल गिरने ही वाली होती है कि तभी वो उसके नीचे अपना हाथ रख देता है और इम्सोल को सोए हुए काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन संजू ने वहाँ से अपना हाथ नहीं हटाया था जिसकी वजह से उसको पेन भी होने लगता है। तभी इम्सोल उठ जाती है, जिसे देख कर सुंजय एकदम पीछे हट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो वो कह देता है कि मैं एक टेप लेने आया हूं और सुंजय उस टेप को अपने पापा के नाम पे लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब इम्सोल सुंजय को हक किया था और कहा था कि वो सुंजय से प्यार करती है, तो सुंजय ऐसा सोच रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना, क्या ये सच में ही मुझसे प्यार करने लगी है। और जब सुंजय देखता है कि इम्सोल उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके रूम में उसके पापा आ जाते हैं जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाती है। फिर अगले दिन हम इम्सोल के घर के बाहर का वेट कर रहा होता है और जब इम्सोल स्कूल जाने लगती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और इम्सोल खुद से ही बातें कर रही होती है कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता है। और वहीं संजय इसके पीछे खड़ा होकर के देखता है, वो मन ही मन बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और सोचता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और वहीं इम्सोल का बैग खुला होता है तो उसे आराम से बैग की जिप लगा देता है। और फिर वहीं हम प्रेजेंट में देखते हैं कि संजय ने इम्सोल को हक किया होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में संजय के घर का जो एक टेबल होता है उसके ऊपर एक फ़ोटो आ जाती है जिसमें संजय और इम्सोल की फ़ोटो होती है। और शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इम्सोल के पास्ट में जाने की वजह से वहाँ पे जो चेंजेस हुए थे उसकी वजह से फ्यूचर में भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अजम्पशन है और इसके बारे में तो हमें बाकी एपिसोड में देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे लवली नरर का एपिसोड 1 और 2 ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं आगे के एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।